दोस्तों, अगर आप टीम इंडिया को बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है 5 अक्टूबर को, और इसमें ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को बुरी तरह से अपना 2019 के फाइनल का बदला ले लिया है, 9 विकेटों से हरा दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप 2023 के भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले ये खिलाड़ी होगा बाहर, और इस टीम को लगा बड़ा तगड़ा झटका। जी हाँ फ्रेंड्स, 8 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेलने वाले इस वर्ल्ड कप में ये खिलाड़ी नहीं दिखाई देने वाला है। कौन है ये नया खिलाड़ी जो नहीं दिखाई देगा, जो टीम को झटका लगा है, देखेंगे। इसे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पिछली बार 2019 की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को बुरी तरह 9 विकेट से रोककर धमाकेदार आगाज किया है। वही रोहित शर्मा कप्तान वाली टीम इंडिया का सामना 8 अक्टूबर को 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई के मैदान में होने वाला है। लेकिन इससे पहले टीम इंडिया के लिए थोड़ी राहत की बड़ी खबर है, ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का धाकड़ ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस भारत के खिलाफ मैच से चोटिल होने के चलते बाहर बैठ सकते हैं। इसके बारे में 5 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने भी बड़ी अपडेट दे डाली, और उन्होंने कहा कि हैमस्ट्रिंग में थोड़ी ज़्यादा समस्या है, इस वजह से अभ्यास मैचों में नहीं खेल पाएंगे और उनकी जगह कैमरून ग्रीन को टीम में शामिल किया जा सकता है। इन दोनों को टर्म शामिल करना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो टॉप ऑर्डर में उनको कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया टीम चोट से जहां ग्लेन मैक्सवेल ने वापसी करके वार्म अप मैच में बैटिंग और बॉलिंग कमाल दिखाया है, वही स्टोइनिस के अलावा ट्रेविस हेड भी चोटिल चल रहे हैं, जो 11 से 12 अक्टूबर तक टीम के चयन में उपलब्ध नहीं है। इसलिए आज से भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया को अपनी मजबूत प्लेइंग 11 बनने की समस्या भी पार पाना होगा। ऐसी अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।